हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8। देखिए, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इस बुक में प्रीवियस ईयर के आधार पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसमें टोटल 40 सेट हैं, जिसमें कि हर सेट में 50 से 55 क्वेश्चन हैं। यानी कि आप इस बुक को यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लगभग 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, ये बुक आपके CVT2 यानी कि ग्रुप डी के अलावा NTPC CVT2 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ उसी तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि रेलवे में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी यहां पर कवर कराने वाला हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक का सेट नंबर 8। पहला क्वेश्चन है, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है, तो राइट आंसर है बाहर की ओर से। याद रखिएगा दोस्तों, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है, बाहर की ओर से। निम्न में से कौन सा एक मूल कण नहीं है, तो देखिए निम्नलिखित में से एक मूल कण कौन सा नहीं है, तो यह ड्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी मूल कण हैं। परमाणु तीन मौलिक कणों से मिलकर बनता है, जिसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परमाणु की नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षा में घूमता रहता है तथा नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो सही आंसर है 1/6, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए, याद रखिएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो ये होती है राज्यपाल में। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। किसको दोस्तों, राष्ट्रपति को। और देखिए, गवर्नर यानी कि राज्यपाल को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। किसी समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है, तो इसको कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद से कहा जाता है एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं और दी गई सेवाओं के कुल योग को। हाफ मैन कप का संबंध किससे है, देखिए क्वेश्चन है हाफ मैन कप का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है टेनिस से। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, डेविस कप, कौन सा डेविस कप, इसका संबंध भी टेनिस से है। ये पुरुषों का कप है, टेनिस कप। और साथ ही साथ फेड कप, क्या फेड कप, इसका संबंध महिला टेनिस से है। पदार्थ के आणविक भार की गणना किसके मापन करके की जा सकती है, पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करके की जा सकती है, आंसर है बाष्प दाब, यानी कि ऑप्शन ए। किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निदेशक सिद्धांत का अधिपत्य दिया, सो राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए 1976 सन, याद रखिएगा 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी गई। अनुच्छेद 31 गा जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, राइट आंसर है एनी वेसेंट। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, एनी वेसेंट। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, क्वेश्चन पूछा गया है एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, तो राइट आंसर है बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट। यह मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। बेयर प्रक्रम द्वारा इन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं,
तो सही आंसर है 8। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। अच्छा दोस्तों, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, चार्ल्स बेब्स को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के दौरान विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर है राणा कुंभा। देखिए, गजनी खां यानी कि मोहम्मद शाह को उसके वजीर ने 1436 में अपदस्थ कर महमूद शाह की उपाधि से मालवा की गद्दी पर ये बैठा। मालवा में उसने खिलजी वंश की नींव डाली। उसने मेवाड़ के राणा कुंभा के विरुद्ध अभियान सफलता का दावा किया, जबकि दूसरी ओर राणा कुंभा ने अपनी विजय का दावा करते हुए विजय की स्मृति में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। सांभर झील से भारतवर्ष का कितने प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है? तो सही आंसर है दोस्तों 11%। ठीक है, सांभर झील से भारतवर्ष का कितने प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है? 11। देखिए, याद रखिएगा, सांभर झील ये किस राज्य में है? राजस्थान में। डॉक्टर निम्नलिखित प्रौद्योगिकी द्वारा यानी कि किस टेक्नोलॉजी के द्वारा महिला के गर्भ में भ्रूण की स्पष्ट तस्वीर देख सकता है? वह है, तो राइट आंसर है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर निम्नलिखित में से किस पद्धति के द्वारा महिला के गर्भ में भ्रूण की स्पष्ट तस्वीर देख सकता है? अल्ट्रासाउंड के द्वारा। निम्नलिखित में से मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? आंसर होगा हड़ताल पर जाने का अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय स्रोत से पूछा गया है, संविधान के स्रोत से क्वेश्चन। राइट आंसर है कनाडा। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक ढांचे का मॉडल कहां से लिया गया? कनाडा से। और मौलिक अधिकार मैंने अभी आपको बताए थे, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ कितनी लंबी होती है? तो ये होती है 26 मील 385 गज। निम्नलिखित में से कौन अपने अधिकांश प्रदूषकों के वातावरण को साफ करता है? तो सही आंसर है वर्षा, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 के यहाँ पर ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आपको कंप्लीट जरूर कराऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली रेखा है। तो इसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, जो 1947 में रेड क्लिफ द्वारा भारत पाक विभाजन के बाद तय की गई थी। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? क्वेश्चन है, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्णता आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हाइग्रोफाइट। ठीक है, हाइग्रोफाइट में रखा जाता है दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को। भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता? आंसर है विधान परिषद। अब कौन कौन लेता है इसको याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के सदस्य, ये सभी भाग लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो ये है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? तो यह दिमाग लगाएंगे, अगर आप सोचेंगे इन उपकरणों को तो आंसर लगा सकते हैं। राइट आंसर है लाउड स्पीकर। देखिए, जब हम लाउड स्पीकर को देखते हैं तो यहां से हम विद्युत धारा के जरिए इसमें आवाज देते हैं, यानी कि
आप ऐसा कह लीजिए गाना बजाते हैं या कैसेट के द्वारा आवाज देते हैं, विद्युत ऊर्जा के द्वारा देते हैं, तारों के द्वारा, और वहां सामने आउटपुट क्या आता है, आवाज निकलती है, यानी कि ध्वनि निकलती है, तो लाउड स्पीकर। और भी याद रखिएगा डायनामो, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है डायनामो। तो डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। मोटर, विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जैसे कि हमारा पंखा, पंखा क्या है, मोटर तो है एक तरह का, विद्युत देते हैं उसको वो घूमता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। संचायक सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संचायक सेल। बाष्प इंजन क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और विद्युत चुंबक क्या करती है, विद्युत चुंबक क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलती है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर है, तो ये होती है न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या के बराबर, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है किसी परमाणु में परमाणु संख्या। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है, तो देखिए दोस्तों कील नहर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है। इंपॉर्टेंट है यहां पर एक नाम ऑप्शन सी में स्वेज नहर, ये किसे जोड़ती है दोस्तों, तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है ना, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, कौन, स्वेज नहर। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, तो ये आता है हाइड्रोजन परोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परोक्साइड का उपयोग किया जाता है पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए। तंबाकू में उपस्थित एल्कलाइड है, तंबाकू में उपस्थित एल्केलाइड है, तो ये है दोस्तों निकोटीन, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है ना, निकोटीन। यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगी, क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी गतिज ऊर्जा एक चौथाई रह जाएगी। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था, कहाँ पर, यूगोस्लाविया में। आगम और एवं भुगतान खाता शुरू होता है, क्वेश्चन किया गया है, आगम एवं भुगतान खाता शुरू होता है, तो आंसर है डेविड सेस से, किससे, डेविड सेस से। देखिए मसल्स किस खिलाड़ी का निकनेम रहा है, देखिए यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम हो रही है, बात हो रही है मसल्स, मसल्स किस खिलाड़ी का निकनेम रहा, तो यह है वेंकटपति राजू, याद रखिएगा ये भारतीय पूर्व बॉलर है, गेंदबाज है वेंकटपति राजू। भारत में जनगणना कब होती है, क्वेश्चन किया गया है भारत में जनगणना कब होती है, तो हर दसवें वर्ष में, ठीक है दोस्तों, हर दसवें वर्ष में भारत में जनगणना होती है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सर्वाधिक दरिद्र व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान। निम्नलिखित में से पुस्तक में से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित नहीं है, तो राइट आंसर इसका इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। अब देखिए बाकी की याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुस्तक है ये रचित, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, पिता का पत्र, पुत्री के नाम, ये सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, लेकिन कौन सी नहीं है, इंडिया विंस फ्रीडम। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। किसी बॉडी का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, यानी कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, तो सही आंसर है इसके द्रव्यमान तथा अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान के वितरण पर, ठीक है। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है किस पर, इसके द्रव्यमान तथा अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान के वितरण पर। क्या हो गया, आर्य भारत बाहर से भारत में आए एवं सर्वप्रथम बसे, आर्य बाहर से भारत में आए एवं सर्वप्रथम बसे, तो ये कहां बसे थे, ये बसे पंजाब में, कहां पर, पंजाब में। देखिए मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है, आर्य भारत में आकर सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, लेकिन अफगानिस्तान यहां पर ऑप्शन में नहीं है, तो आप पंजाब देखेंगे, ठीक है। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है, उनके द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण थी और उनकी भाषा थी संस्कृत। सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी है, तो ये जुड़ी है दोस्तों नर्मदा नदी, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी है, नर्मदा नदी। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, यानी कि किस रोग के कारण प्लाज्मोडियम उत्पन्न होता है, तो ये होता है मलेरिया के द्वारा, कहां पर, मलेरिया के द्वारा मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न होता है। किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? तो ये था दोस्तों ताइवान का, ठीक है। ताइवान का पुराना नाम क्या था? फार्मोसा। 0 डिग्री से 4 डिग्री तक पानी को गर्म करने पर उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप घटना चक्र की बुक देखें, रेलवे की किसी भी बुक को उठाएंगे, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा साइंस में। तो राइट आंसर है घटता है। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, द्रवों को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है, सॉरी, ठीक है, आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है। परंतु पानी को 0 डिग्री सी पर लेकर गर्म करने पर 4 डिग्री सी तक इसका आयतन घटता है तथा घनत्व बढ़ता है, ठीक है। अब सुनिए, 4 डिग्री सी पर पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सी से आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की तरह हो जाता है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो ये दिखाई देगी काली। कैसी? काली। एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो आंसर है टिटनेस, ठीक है, ऑप्शन ए, टिटनेस आपका राइट आंसर रहेगा। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाता है तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए, चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता तथा निर्वात से होकर ध्वनि गमन नहीं कर सकती, यानी कि ध्वनि नहीं चल सकती निर्वात में, अतः चंद्रमा पर बम विस्फोट होगा तो उसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जमने की स्थिति में मछलियां कहाँ रहती हैं? तो ये रहती हैं दोस्तों तली में। कहाँ पर? तली में। जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जब ये जल जम जाता है तो मछलियां कहाँ चली जाती हैं? तली में चली जाती हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व निम्न में से कौन है? तो देखिए दोस्तों, चांदी यानी कि सिल्वर, ठीक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? सिल्वर। किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता था? किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो जहांदार शाह, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। कौटल्य लेखक थे। तो दोस्तों ये थे अर्थशास्त्र के लेखक, यानी कि ऑप्शन डी। ये बात कर रहा है चाणक्य की। चाणक्य को ही तो कौटल्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विष्णुगुप्त, कौटल्य, चाणक्य एक ही व्यक्ति के नाम है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटल्य। हेनसांग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण दिया है? राइट आंसर है हर्षवर्धन। देखिए, हेनसांग एक चीनी यात्री था, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा। हेनसांग किस देश का यात्री था? चीनी। वह पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के काल में भारत आया। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। कुषाण राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था कनिष्क, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? राइट आंसर है अकबर। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। सत्यापित कला के क्षेत्र में अकबर ने बहुत सी कृतियों की स्थापना करवाई, जैसे कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा में लाल किला, दीवाने खास, पंचमहल, इबादत खाना, जोधाबाई का महल, लाहौर का किला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है? तो यह है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य वस्त्रों के निर्माण तथा उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि आगे है। इन चार ऑप्शन की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। महाराष्ट्र आगे है इन चारों में से। हरित क्रांति से बढ़ावा मिला, क्वेश्चन पूछा गया है, हरित क्रांति से बढ़ावा मिला, तो ये मिला है गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि को हरित क्रांति से बढ़ावा मिला है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया? तो उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। रेलवे में ब्रॉडगेज यानी कि बड़ी लाइन के कुल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 85,532 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख पुलित्जर पुरस्कार सर्वाधिक 6 बार किस समाचार पत्र को मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार सर्वाधिक 6 बार किस समाचार पत्र को मिला? तो राइट आंसर है वॉशिंगटन पोस्ट। अब यहां से याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में।
दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।